लाइफ प्रोसेस में हमने डाइजेशन वाला पढ़ लिया था, आज हम जो लाइफ प्रोसेस में नेक्स्ट टॉपिक जो ले रहे हैं वो है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है? व्हाट इज द रिस्पायरेशन? नहीं, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना ब्रीथिंग कहलाता है, जिसको हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें रेस्पायरेशन समझना है। तो रेस्पायरेशन क्या होता है? रेस्पायरेशन का मतलब है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, खाने का ब्रेकडाउन हो जाना, टूट जाना, यानी और या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड या फूड का ऑक्सीडेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन कहते हैं। और क्योंकि रेस्पायरेशन हर सेल में होता है, इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहा जाता है। अब जब रेस्पायरेशन है, इसके लिए सब्सट्रेक्ट होना चाहिए, कोई एक ऐसा कंपाउंड या कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जो क्या हो, ब्रेकडाउन हो, जो टूटे और हमें एनर्जी मिले। तो एनर्जी जिसमें मिलती है या ब्रेकडाउन होता है, इसको हमने पढ़ा है, क्या होती है उस रिएक्शन को, कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। यानी रेस्पायरेशन पहला पॉइंट ध्यान में रखना है कि कैटाबॉलिक रिएक्शन है, जिसमें क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइजेशन होगा किसी भी ऑर्गेनिक फूड का। अब यहां जो ब्रेकडाउन होगा, वो ब्रेकडाउन जिस मॉलिक्यूल का होता है, उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेटरी सब्ट्रैक्ट। और जनरली जो रेस्पायरेटरी सब्ट्रैक्ट होता है वो होता है ग्लूकोज। तो इतनी बात समझ में आ गई रेस्पायरेशन क्या होता है। हाँ, इस चैप्टर के सारे नोट्स आपको यहाँ वीडियो के एंड में पूरा मिल जाएगा, तो आप अच्छे से पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप नोट्स कॉपी कर लीजिएगा। तो रेस्पायरेशन क्लियर है। इसके बाद जो रेस्पायरेशन है वो स्टेप बाय रिएक्शंस होती है, स्टेप होगा। तो पहला तो हमारा जो फूड है, ऑर्गेनिक फूड, वो किस फॉर्म में होता है, C6H5O6 ग्लूकोज। एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो ग्लूकोज आपको मिल रहा है, ये ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है या उसके डाइजेशन से हमें जो मिला, वो सफिशिएंट नहीं होता है। काफी बार ये सफिशिएंट नहीं है तो जो प्रोटीन है उसका भी हमने पढ़ा है डाइजेशन में लास्ट प्रोडक्ट एमिनो एसिड बनता है। ये एमिनो एसिड लीवर में जाएंगे और लीवर में ये ब्रेकडाउन होगा इनका और ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। अब ये जो ग्लूकोज है, कुछ ग्लूकोज तो एनर्जी देने के काम आ जाता है और कुछ ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रह जाता है। तो इस तरह से भी ग्लूकोज मिलता रहता है, खाली कार्बोहाइड्रेट के थ्रू नहीं मिलता। अब इसका स्टेपवाइज प्रोसेस है। तो स्टेपवाइज प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो ग्लूकोज है, सबसे पहले ये थ्री कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, पहले टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा। और ये जो प्रोसेस है थ्री कार्बन कंपाउंड जो बनेगा वो होता है आपका पाइरुविक एसिड, जिसको हम पाइरुवेट भी कहते हैं। तो ये पाइरुविक एसिड, ये जो रिएक्शन है, यानी जो पाइरुविक एसिड, हाँ, पाइरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COO, ये COOH, ये पाइरुविक एसिड का फॉर्मूला है, इसके दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो पहला, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और ग्लूकोज किस में टूटेगा, किस में निकलेगा, पाइरुविक एसिड बनाएगा। और ये जो रिएक्शन होती है वो साइटोप्लाज्मा में होती है, सेल के साइटोप्लाज्मा में होती है, और इसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसका ब्रेकडाउन होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसके बाद की जो रिएक्शन है उसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो इतनी बात क्लियर होगी। तो पहला स्टेप क्या होगा कि ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किस में, पाइरुविक एसिड में, थ्री कार्बन कंपाउंड बनेगा जिसको पाइरुविक एसिड कहते हैं, और ये रिएक्शन किस में होगी, साइटोप्लाज्मा में होगी। अब जो रेस्पायरेशन है वो टू टाइप का होता है, एक तो होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक, एक एरोबिक और एक एनएरोबिक रेस्पायरेशन। जो एरोबिक रेस्पायरेशन है उसमें पाइरुविक एसिड फिर से ब्रेकडाउन होगा, फिर से टूटेगा, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की, यानी जो नेक्स्ट स्टेप है पाइरुविक एसिड के आगे वाला, उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। और ये रिएक्शन किस में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे वाली रिएक्शन दोनों में ही सिमिलर रहेगी क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो एरोबिक रेस्पायरेशन,
उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पाइरोविक एसिड ब्रेक डाउन होगा और लास्ट प्रोडक्ट बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और बनेंगे 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, एनर्जी रिलीज होती है। और ये 38 एटीपी जो मॉलिक्यूल्स है, एटीपी क्या है, एनर्जी की करेंसी, ये एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टूटने से बनती है, क्लियर है। उसके बाद आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन या तो बहुत कम अमाउंट में है या नहीं है, एब्सेंट है। तो ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में या लेक ऑफ ऑक्सीजन में हो, उसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन में पहला स्टेप सिमिलर है एरोबिक और एनएरोबिक में, क्या कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और वो 3 कार्बन कंपाउंड में टूटेंगे, और ये 3 कार्बन कंपाउंड कहलाता है पाइरोविक एसिड, ठीक है। ये जो पाइरोविक एसिड है, ये रिएक्शन होती है साइटोप्लाज्मा में। इसके आगे की रिएक्शन में, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जो ये 3 कार्बन कंपाउंड है वो ब्रेकडाउन होगा, या तो एल्कोहल बनाएगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी बहुत कम अमाउंट में रिलीज होती है। और एल्कोहल कब बनता है, ईस्ट सेल में बनता है। और अगर ह्यूमन के मसल सेल में भी इस तरह का रेस्पिरेशन होता है तो उसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, 3 कार्बन कंपाउंड ब्रेकडाउन होगा C2H5OH या फिर लैक्टिक एसिड में। यहां C2H5OH के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है और एटीपी के मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम, 2 से 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये आपका एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। अगर आपको दोनों में डिफरेंस लिखने को कह दें तो आप लिख सकते हैं एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में मेन डिफरेंस क्या है, इसका जो लास्ट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, CO2H2, और यहां पे जो लास्ट प्रोडक्ट है, अगर ईस्ट सेल है तो बनेगा एल्कोहल, और मसल सेल है तो बनेगा लैक्टिक एसिड। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है एरोबिक, जबकि एनएरोबिक एब्सेंस में या लेक ऑफ ऑक्सीजन होगा। लेकिन अगर दोनों में सिमिलरिटी पूछ ली जाए तो दोनों में सिमिलरिटी ये है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, दोनों में ही फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और ये ब्रेकडाउन होके क्या बनाता है, 3 कार्बन कंपाउंड पाइरोविक एसिड, ठीक है ना। हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन में आगे वाली जो रिएक्शन है जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, वो साइटोप्लाज्मा में होगी, और उसके आगे जो फर्दर रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पाइरोविट का ब्रेकडाउन होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन पूरी की पूरी साइटोप्लाज्मा में होती है। अब आप इनके नोट्स लिख लीजिए, ठीक है। रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विथ ऑर्गेनिक फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। ऑर्गेनिक फूड विच इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सब्ट्रैक्ट। मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सब्ट्रैक्ट इज ग्लूकोज, यानी जनरली ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडेशन में। इन लिविंग सेल रेस्पिरेशन इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस, द होल रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। द रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस एंड टेक प्लेस इनसाइड द सेल। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड पाइरोविक एसिड। मतलब ग्लूकोज जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड में टूटेगा, और ये जो ग्लूकोज का कन्वर्जन पाइरोविट एसिड में हो रहा है, इसको ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं, और जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट द पाइरोवेट इज कंप्लीटली ब्रेक डाउन इंटू CO2 NH2O। एज O2 इज रिक्वायर फॉर दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये जो रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसकी जो रिएक्शन है, ग्लूकोज ग्लूकोज से पाइरोविक एसिड, और ये रिएक्शन साइटोप्लाज्मा में। पाइरोविक एसिड से जो CO2 और H2O बनते हैं, ये रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स पे 38 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और जो ATP है वो करेंसी है एनर्जी की। एनएरोबिक रेस्पिरेशन व्हेन O2 इज नॉट अवेलेबल द पाइरोविक एसिड इज इनकम्प्लीटली और पार्शियली ऑक्सीडाइज। दिस इज प्रोसेस यूज बाय सम ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट बैक्टीरिया एक्सेट्रा। ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, वो ईस्ट और बैक्टीरिया में होता है विदाउट ऑक्सीजन के।
therefore release of energy from food in absence of O2 and produce ethyl alcohol and CO2 each cell. लेकिन अगर ये muscle cell में हो रहा है हमारी body में तो lactic acid बनता है alcohol की जगह पे. ईस्ट में जो रिएक्शन होती है उसमें ग्लूकोज से बनता है पाइरूविक एसिड और ये रिएक्शन साइटोप्लाज्मा में और जो C2H5OH बनेगा एल्कोहल और CO2 ये भी साइटोप्लाज्मा में होगी रिएक्शन. मसल सेल में भी ग्लूकोज से बनेगा पाइरूविक एसिड और पाइरूविक एसिड से बनेगा लैक्टिक एसिड और ये रिएक्शन भी साइटोप्लाज्मा में होती है पूरी की पूरी.